यहाँ तो पिक्चर बनता है भाई, पिक्चर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, अभी हम लोग ओरांग में, कल रात को हम लोग ओरांग में रुके थे, ग्रीन प्लैनेट रिसोर्ट बोल के नाम। कल रात को बोल नहीं पाए ठीक तरह से रिसोर्ट का नाम, तो आज देख के उसके बाद बताया आपको। तो यह है रिसोर्ट। हम लोग, मैं इस रूम पे रात पे था, और उसमें राजादा, ओयोन और राहुल था। तो हम लोग अभी खाना ब्रेकफास्ट करके यहीं से निकल जाएंगे इस रिसोर्ट से बॉम्डिला के लिए। आज तारीख है आपका 20 फरवरी 2019 और टाइम हो रहा है अभी 10:30। तो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, उसके बाद फिर से आप लोग के साथ बात करते हैं। अभी हम लोग होटल से निकल रहे हैं। ग्रीन प्लैनेट रिसोर्ट्स बहुत ही अच्छा था, रूम बहुत क्लीन था, नीट एंड क्लीन, खाना भी बहुत ही अच्छा था। अभी थोड़ा सा सामने जाके हम लोग फ़ोटोग्राफी करेंगे, उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे। सामने मतलब जहाँ से जीप सफारी स्टार्ट होता है, वहाँ से हम लोग फ़ोटोग्राफी करने के बाद हम लोग निकल जाएंगे। एवेंजर यहीं पे ठंडरबाड़ से तो फोटोग्राफी कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आप लोग के साथ फिर से अगेन बात करेंगे। तो हम लोग को रोड दिखा नहीं पाए, कहाँ से आए हम लोग, आज देख लीजिए। अच्छी रोड हम लोग को मिल गया, उस गांव का रोड छोड़ के ये भी गांव का रोड। गाँव के अंदर से आके हम लोग का NH 15 मिल गया है, अभी मेन रोड में है। रोड एकदम नया बना हुआ है, नीट एंड क्लीन, और बहुत विंड ब्लास्ट हो रहा है, बहुत 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 इस लेफ्ट साइड से बहुत हवा चलने की आवाज़ सुनाई देगा आप लोगों को, इसलिए थोड़ा सा लाउड बात कर रहा हूँ आप लोग को ठीक तरह से सुनाई दे। तो ये NH 15 है, हम लोग पकड़ चुके हैं अभी। ये सीधा है, ये सीधा हम लोग का 23 किलोमीटर जाना है, उसके बाद लेना है लेफ्ट। तो देखते हैं सामने का रोड भी कैसा होता है। शायद पंप, बाइक में पंप चेक करने के लिए रुके हैं, तो पंप, पीछे का पंप, पैर का पंप चेक कर लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं सबसे। छोटे छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, सभी स्कूल ड्रेस में है। और अभी तो सुने HS का एग्ज़ाम भी चल रहा है, मिलिट्री टैंक। these bandanas, they get hurt. आसाम की चाय पत्ती का खेत लगा हुआ है चाय दोनों तरफ से। सुने आसाम के चाय सबसे बेस्ट होता है। यहीं से स्टार्ट हो चुका है चाय पत्ती की जो खेती बाड़ी किया जाता है, जो खेत है यहाँ से स्टार्ट होता है। इससे पहले भी देखे थे दो एक, तब कैमरा मेरा ऑन नहीं था। अभी तक पहाड़ स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी स्ट्रेट रोड है हम लोग का ये। रोड का नाम तो मैप में नहीं दिखा रहा है। NH 15 हम लोग छोड़ चुके हैं, 10 मिनट हुआ है, 10 से 15 मिनट। डॉगी है इसलिए स्लोली चलो भाई। कितना क्यूट बच्चा है। एक मिनट रुको, मेरा फ़ोन आ रहा है। कंक्रीट जो पीच का रोड था वो ख़त्म हो चुका है। फिर एक अभी कंक्रीट का ईट बना हुआ जो रोड होता है उससे हम लोग जा रहे हैं। रोड बढ़िया है, कहीं पे भी टूटा नहीं है। ब्रिज के ऊपर बहुत टूटा हुआ है अभी। एक एक जन करे रोड बहुत ख़राब है, इस वजह से धीरे धीरे एक एक करके जा रहे हैं हम लोग। अभी हम लोग NH 13 पे है। NH 13 जो जंगल के अंदर से है, और यहाँ पे बहुत मंकीज दिखाई दे रहा है, बंदर दिखाई दे रहा है। सामने था, बहुत ही सुंदर व्यू है। और तवांग यहाँ से शायद 318 किलोमीटर बोमडिला यहाँ से 122 किलोमीटर बोमडिला। आसछे ओरा दाड़ाबे नाकि एखाने सब लोग पीछे छूट गए इसलिए हम लोग रुके हैं अभी इस जंगल पे। आने दीजिए, उसके बाद हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे। हाँ आ रहा है सब, चलो चलो चलो। अगर बाइक बार धीरे बंद हो जा रहा है। ठीक है, बंदर बैठा हुआ है, से गाय है। अच्छा, फॉरेस्ट से निकलने का ये एक फ़ायदा हुआ है, लोगों को ये देखने भी मिल गया। यहाँ से स्टार्ट होता है पहाड़ी रोड। देखिए पूरा पहाड़ है, फॉग जमा हुआ है पूरा एकदम। क्या लग रहा है देखने में, आप पता नहीं आप लोग को गोप्रो में दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, लेकिन भाई क्या खूबसूरत है नेचर, क्या खूबसूरत है। मज़ा आ गया देखने में। देखिए यहाँ से वो क्या व्यू है भाई, देख। पहाड़ ही पहाड़ है। ऑसम व्यू, ऑसम भाई, मतलब जवाब नहीं है। ऑसम एकदम, क्या बोले यार, देखने में मजा आ गया है अभी, मजा आ गया पूरा। सब लोग एंजॉय में गाना गा रहा है, नाच रहा है बाइक पे बैठ के। क्या व्यू, मजा आ गया भाई साहब। व्हाट्सअप ब्रो, क्या मजा। रोड भी बहुत बढ़िया है, छोटा मोटा गड्ढा है, क्या होगा उससे, कुछ नहीं। चले गए सब लोग, भगाते जा रहे हैं। अरे पहाड़ दूर से देखने में इतना सुंदर लग रहा है, पास जाएंगे तो क्या लगेगा। आई थिंक गोप्रो में शूट हो रहा है ये। इतना सुंदर चीज़ गोप्रो पे शूट नहीं होगा तो एकदम मन खराब हो जाएगा। देखिए सामने वाला व्यू, यो 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 या ब्रो यो। तवांग 292 किलोमीटर। अरे यार यहाँ पे नदी है, उसके बाद पहाड़ है, पिक्चर तो मतलब ऑसम आएगा, ऑसम पिक्चर आएगा। चलिए थोड़ा सा फोटोग्राफी कर लेते हैं, उसके बाद फिर से आप लोग के साथ बात करेंगे। यहाँ तो पिक्चर बनता है भाई, पिक्चर। क्या व्यू है भाई, देखो नीचे नदी। अभी हम लोग भालुकपोंग में हैं और यहाँ पे थोड़ा सा फ़ोटो शूट के लिए इस रिवर के करीब पास आए थे, फोटोग्राफी की है। अभी हो चुका है, हम लोग निकल रहे हैं यहीं से। हम लोग भालुकपोंग में यहाँ पे बाइक का जो कौन सा बाइक क्या लेके जा रहा है, कौन ओनर है, सबका एंट्री करवा रहे हैं हम लोग यहाँ से। ये है पीछे। सो अभी बाइक का एंट्री हो रहा है, उसके बाद हम लोग तवांग के लिए निकलेंगे यहाँ से। ये भालुकपोंग है, ये चेक पॉइंट है, यहाँ से सब लोग अभी एंट्री भी कर रहा है, देखिए। तो टूरिस्ट वाला है क्या? हाँ टूरिस्ट है। ये YouTube के लिए बता रहा है जो कहाँ से पास बनाना है, ये बताना पड़ता है। तो यहाँ पे चेक आपका नंबर एंट्री करना है, बाइक नंबर एंट्री, कौन ओनर है, सब कुछ यहाँ पे एंट्री करके उसके बाद अंदर जाना है। ये सारा है, यहीं पे खड़ा है सब लोग। आपको एक बार गेट दिखा देते हैं यहीं से। हम लोग ऐसे ही मतलब बाइक लेके घूमते हैं। हाय फ्रेंड, अभी हम लोग भालुकपोंग में है, एक होटल लिए हम लोग। तो आज रात यहीं पे हम लोग रुकेंगे, रेस्ट लेंगे। उसके बाद हम लोग कल तवांग के लिए डायरेक्ट निकलेंगे। हाँ, बॉम्डिला हम लोग क्यों नहीं गए, क्यों जा नहीं पाए, क्योंकि हम लोग जब आए थे भालुक पास जो बाइक एंट्री या कोई भी गाड़ी लेके जाइए, तब एंट्री जहाँ पे नंबर एंट्री करना पड़ता है उस जगह से, तब हम लोग उस जगह पे हम लोग 5 बजे आए थे। तो पता चला तब तो रोड बंद हो जाता है, तो 2 या 3 बजे के अंदर रोड बंद हो जाता है, उसके बाद एंट्री नहीं मिलता। तो हम लोग को कल सुबह मतलब 21 फरवरी को हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे सुबह 5 से 5:30 बजे। तब लोग हम लोग तवांग के लिए डायरेक्ट निकलेंगे यहीं से, तो तब हम लोग जा पाएंगे। एक नागा मंदिर कैसे ऐसा कुछ नाम बोला था कुछ मिलिट्री ने, उस मंदिर को क्रॉस करने के बाद आप कहीं भी कोई भी टाइम पे जा सकते हैं, लेकिन उसके पहले आपको उसी टाइम के अंदर उसको क्रॉस करना पड़ेगा 2 बजे के अंदर, 2 PM के पहले। तो आज तो हम लोग जा नहीं पाए क्योंकि हम 5 बजे यहीं पे एंट्री लिए। तो आज लोग होटल में रुक गए, हम लोग यहाँ पे रेस्ट लिए। कल डायरेक्ट तवांग में घूमेंगे, उसके बाद कोई होटल देख के हम लोग वहीं पे रुक जाएंगे। तो नेक्स्ट डे हम लोग बैक कर जाएंगे। तो आपको वीडियो तो ये वीडियो आज यहीं पे एंड करते हैं। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कॉमेंट करो प्लीज़। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करो, बिकॉज आप लोग सब्सक्राइब करोगे तो मुझे हिम्मत मिलेगा और भी मैं वीडियो बना पाऊंगा। और सब्सक्राइब करने के बाद साइड में जो घंटी रहता है उसको दबाओ, क्योंकि वो दबाने से क्या होता है, मैं जब भी वीडियो अपलोड करूंगा, मैं नया वीडियो आप लोगों के पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। गुड नाइट एंड बाय।